나무. वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगुआ एंड मेरे साथ है नन अदर देन पर्व जो कि हमारा रेगल टॉस है. सो रेगाचू कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा फील हो रहा है? कॉन्फिडेंट हो? क्लास नहीं लूँगा मैं तेरी. अच्छा तो रेगल टॉस ये बताओ आप कि फ्रॉम बीइंग अ रैंडम रेगा रेड जो आपका एक बहुत यू नो पॉपुलर चीज़ था टू बिकमिंग रेगाचू ऑफ सोल ये जर्नी आपका कैसा रहा? रेगा रेड बहुत पहले था बीच में, मतलब नॉर्मल रेगल टॉस था जो कॉम्पिटिटिव में आया था, मतलब उतना कोई रिकग्निशन नहीं था, फिर प्रैक्टिस बहुत ग्राइंड करते करते आ गया. ओके तो आपका इन दिनों लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में यूट्यूब पे जो ग्रोथ है, आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो ग्रोथ है वो काफ़ी इमेंस रहा है. सो इसके लिए आपको क्या फील, आप क्या फील करते हो एंड यू नो आप क्या अपने दर्शकों को बताना चाहोगे? मेहनत करते रहो, टाइम आएगा. बट देन आपका ये टाइम आया तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, अभी यहाँ हूँ तो. अच्छा ओके तो रेगल्टॉस अभी आप अभी अभी सोल पे सोल टीम में आए हो तो आपने सोल के फ्रंट फेस असॉल्टर बनने के लिए लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में आपने क्या मेहनत किया और आप क्या मतलब किस तरह से आपने मेहनत किया? हाउ डिड यू चेंज योर सेल्फ टू बिकम द फ्रंट फेस असॉल्टर ऑफ सोल? मेरी गलती होती थी कि मैं आगे जाता था फिर मैं थोड़ा पीछे होने लग गया. अब जैसे क्लच गॉड नया है तो उसका काम है वो आगे जाना, का सपोर्ट देना हमारा काम है, तो वही एक गलती मतलब कवर होते होते एक हो गया. बट देन आप इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे, जैसे कि आपने कहा कि आप चाहते थे कि आप कम्पिटिटिव खेलो, आपकी पहले दूसरी लाइनअप भी रही हुई है, बट देन उस लाइनअप से आप इस लाइनअप तक खुद को प्रमोट करने के लिए आपने किस तरह से मेहनत की? क्या आपका वो बिहाइंड स्टोरी था जो लोग नहीं जानते कि आप क्या आपका डेडिकेशन था, आप क्या करते थे? हम पहले पेड कस्टम्स खेलते थे जो नॉर्मल रात को इंस्टाग्राम वो सब होते थे, पेड रोज खेलते थे. ओके फिर एक आया ESL PMCO के टाइम पे, हम ओके तब PMCO रेसर वगैरह नहीं किए थे. ESL खेलते थे मतलब हर महीने ट्राई किए, एक महीना बीच में छूट गया गलती से फीवर के कारण. तो उस ESL में अच्छा जा रहा था तब, हमारा 4HM नाम था. ओके तो वही उसके बाद जब फिर ये PMCO का टाइम आया तो इनवाइट आया सीधा, मतलब बहुत मेहनत मतलब. हाँ बट अच्छा तो सोल आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, आपके साथ में मॉर्टल है, वाइपर है, जिन जो सोल को काफ़ी टाइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड उन लोग प्रेशर हैंडल करना जानते हैं, पर आप जब सोल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप क्या प्रेशर फील कर रहे हो? ऑब्वियसली बहुत प्रेशर है, बहुत ऑडियंस है, सोल फैमिली को सपोर्ट करती है सोल को, तो वो एक तरीके से मेरे पे भी आ गया है कि नया है कैसे करेगा क्या होगा, वही सेम बहुत प्रेशर है थोड़ा बहुत नहीं. बट आपके टीममेट्स मॉर्टल है, वाइपर है, क्या इन लोग आपको बताते हैं कि नो ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज उन लोग भी इसी दौर से गुजरे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मॉर्टल या वाइपर ने इस चीज़ में मदद की होगी कि किस तरह से आप इस प्रेशर से फील हटो, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये चीज़ समझते होगे कि ये प्रेशर तो है नहीं, ये जनता का प्यार है ना, ये तो जनता का प्यार है, इसमें कोई प्रेशर की बात ही नहीं है. आप इस टीम से जैसे कि आपने कहा पहले 4HM में थे पर अभी आपका लाइनअप है आप मॉर्टल वाइपर क्लच गॉड, तो इस टीम से आपकी क्या उम्मीद है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये टीम किस तरह से इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करेगी, किस तरह से आने वाले टूर्नामेंट से परफॉर्म करेगी, क्या एक्सपेक्टेशन आप इस टीम को कहाँ देखते हो आगे? टॉप पे देखते हैं, हर कोई अपनी टीम को टॉप पे ही देखता ही है, और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ हूँ तो ऑब्वियसली हम सब टॉप पे ही देखते हैं अपने आप को. ओके रेगल्टॉस व्हाट हैज़ बीन द रोल ऑफ मॉर्टल एंड वाइपर इन शेपिंग यू एज अ कॉम्पिटिटिव प्लेयर? इन्होंने आपको आप 2 महीने से इनके साथ खेल रहे हो तो आपको क्या लगता है कि इनके वजह से आपके गेम स्टाइल, आपके गेम के प्रति एटीट्यूड में क्या बदलाव आया है एंड यू नो हाउ हैव दे हेल्प्ड यू आउट? पहले 4HM में IGL था तो मेरे कुछ डिसीजन गलत होते थे कि मैं इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं, तो जैसे मोटल है इतना एक्सपीरियंस है उसके पास कि मेरा अगर एक कॉल गलत है तो वो वहीं सही कर देगा, जो चीज़ मेरे को हेल्प करती थी. वाइपर पे इतना एक्सपीरियंस है कि उनसे कभी गलती डिसीजन मेकिंग में नहीं होगा, तो वो चीज़ मेरे को हेल्प करता था कि अगर मैं जैसे IGL अगर कर रहा हूँ तो मेरे डिसीजन में कोई गलती ना, वो उनका काम है, तो एकदम हेल्प करता है मैं ग्रो करने में, कभी कोई गलती ना हो किसी से किसी भी टीम में. ओके तो आपने 4HM से सोल में कैसे ट्रांजिशन किया, मतलब क्या हुआ था कि सडनली आप 4HM से सोल पे आ गए, लाइक क्या बातें हुई आपके बीच में मॉर्टल के बीच में, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, मैं जानना चाहता हूँ और प्रीटी श्योर कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे. तो मॉर्टल पहले जैसे पता था कि नहीं खेल रहा था कॉम्पिटेटिव, तो वाइपर को PMCO मतलब खेलती थी टीम जोन की, तो फिर वाइपर था सिर्फ, तो उन लोग को 3 प्लेयर्स चाहिए थे, तो मैंने अपने साथ फ्रॉस्ट को रिकमेंड करा, सोल फ्रेश असॉल्टर है, मैं और फ्रॉस्ट मतलब टीम में आने के लिए. फिर क्या हुआ कि उतना फिर हुआ नहीं, तो फिर हमने कहा मॉर्टल तेरे को भी आना ही पड़ेगा, फिर वाइपर ने कन्विंस करा तो मॉर्टल आया, फिर तो फिर आपको तब टीम सोल बना. टीम सोल बना नया वाला. ओके तो रेगल्टॉस ये आपका
नया जर्नी था कंपेरेटिव खेलना, एंड सीधे आपको फर्स्ट लैंड इवेंट खेलना मिल रहा है, आपके पेरेंट्स का इस चीज़ पे क्या रिएक्शन था? मतलब जैसे उनको पता लगा कि आप, क्योंकि मुझे इतना तक पता है आपके पेरेंट्स को पहले पता भी नहीं था कि आप रेगल्टोस हो, पर अब जब आप यहाँ फाइनली आए हो, आप लैन इवेंट खेल रहे हो, तो अब उनका क्या रिएक्शन था एंड उन लोग का क्या मतलब सपोर्ट रहेगा? तो जब मैंने पापा को बताया कि पापा मेरा लैन इवेंट है, टू से जाना है मेरे को, तो पापा बोलते हैं कि अब इतना करा है तो जा, तो जीत गया अभी, तो मैं पूरा सपोर्ट, अभी जैसे रोज कॉल आता है कि क्या हुआ, अच्छा कैसे क्या करना है, तो आएंगे वो लोग भी, ओके तो पूरा सपोर्ट है। अच्छा, तो अगर आप सोल रेगल्टॉस नहीं होते और पबजी नहीं होती तो अभी पर्व क्या कर रहा होता? नॉर्मल पढ़ रहा होता, कॉलेज जा रहा होता रोज। अच्छा ओके अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आपने लास्ट क्विक थोड़े मंथ्स में क्विक सक्सेस देखा है सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, सब चीज़ में आप स्ट्रीम करते हो, सब करते हो, तो आपने अभी तक इस कम्युनिटी के बारे में क्या जाना है एंड ऐसा क्या एडवाइस है जो आप देखें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और फिर आपको बहुत पेशेंस रख के आपने सक्सेस लिया अपने लिए, तो आप वो क्या एडवाइस है जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को, जो लोग आपको आइडल मानते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे किस तरह से वो अपना करियर बनाए, किस तरह से वो ग्रो कर सकते हैं खुद को? किसी की बातों में मत आओ, अपना अपना करो, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो, कोई अपने अपने से बड़ा एडवाइस दे रहा है एडवाइस ले लो, पर किसी की उसमें मत आओ कि ये ऐसा है वो ऐसा, अपना करते रहो जो तुम्हें सही लग रहा है ब्रो। मतलब बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स वाली बात है। ओके तो गाइस इसी के साथ हम रेगल्टॉस के साथ हमारा पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करेंगे, बट बहुत मज़ा है रेगल्टॉस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो गाइस ये था हमारा एपिसोड 1 विद रेगल्टॉस एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा रैपिड फायर विद रेगल्टॉस जो कि हमारा फन टाइम रहता है, तो पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब करना होगा, नहीं किया हो तो फटाफट कर दो।